योगी को दिल्ली हटाना चाहता है। शाह के इशारे पर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य योगी के खिलाफ एक लॉबी तैयार करने में लगे हैं। योगी को दलित, पिछड़ा, विरोधी घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि योगी स्वर्ण जाति से आते हैं और अब दलित पिछड़ों को बीजेपी की तरफ वापस लाने के लिए किसी पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी खबरों को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का बाजार गर्म है, लेकिन असल हकीकत यह है कि दिल्ली के भीतर इतना मादा नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा सके, क्योंकि मोदी के बाद देश में अगर किसी की लोकप्रियता चरम पर है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन फिर भी योगी को हटाने की खबरें आखिर चल क्यों रही हैं, वो समझ से परे की बात है। और ऐसी खबरें चल रही हैं उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के और उसके नेताओं के मजे लेने लगी है, तंज मारने लगी है। अखिलेश के नेता कभी केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाते हैं तो कभी ब्रजेश पाठक को हटाने की बात कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने तो भविष्यवाणी कर दी कि ब्रजेश पाठक को हटाकर मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बनाएगा, जो मनोज पांडे अब तक अखिलेश यादव के साथ थे और अभी हाल फिलहाल में बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है, वो बीजेपी के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं। आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मनोज पांडे को भाजपा से जो डील हुई है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में 2017 में गए और मनोज पांडे ने 2024 में सपा से दगा करके बीजेपी में शामिल हुए। ब्रजेश पाठक केशव गैंग के सदस्य के रूप में योगी जी को हटाने की मुहिम का हिस्सा हैं। जानकारी जो दिल्ली से आ रही है, दोनों मुख्यमंत्री गुजरात और बिहार के तर्ज पर हटाए जा सकते हैं। पाठक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा को निपटा कर कुर्सी हासिल किया। मनोज पांडे इन्हें निपटाने जा रहे हैं, ये रस्साकसी बीजेपी को पाताल में ले जाएगी। एक और ट्वीट में आईपी सिंह लिखते हैं, ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करता हूं। लाचार बेबस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने दो कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक को अनुशासनहीनता में बर्खास्त क्यों नहीं कर देते। जो मंत्री कैबिनेट मीटिंग का लगातार बहिष्कार कर रहे हों, अपने विभागीय कार्यों से दूर हों, उन्हें अपने कैबिनेट में क्यों रखे हुए हैं। पाठक और केशव ने तय कर लिया, जो घर फूके आपने चलो हमारे साथ, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के पूरे आसार हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड तक बता चुके हैं। कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं, ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? जिस अनुशासन की बीजेपी कभी दुहाई दिया करती थी, आज उसी अनुशासन की धज्जियां खुद बीजेपी के नेता उड़ा रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली खामोश बैठा है। अगर यूपी बीजेपी के भीतर सच में इतना विवाद है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद सभी नेताओं को बैठाकर मामला सुलझा क्यों नहीं देते? अगर मोदी ऐसा नहीं कर रहे तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी भी खुद ऐसा चाहते हैं? सवाल बहुत हैं और जवाब अगर किसी के पास है तो वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखना होगा, नीति आयोग की बैठक के लिए सभी नेता दिल्ली में जुटे हैं तो क्या कुछ इस विवाद का हल निकल पाता है या फिर नहीं।